आज इट वाज अ मोमेंटस डे फॉर द पीपल ऑफ जेएनके कि शायद 6 साल के बाद एक पॉपुलर गवर्नमेंट जो है उसको हल्फ दिलाया गया, तो हमें बहुत खुशी है और हम मुबारकबाद देते हैं नई सरकार को जो बनी है। हमारी जो पॉलिटिकल डिफरेंसेस हैं उनको साइड में रख के ये इस वक्त पूरे कौम के लिए खुशी का मुकाम है कि एक इलेक्टेड गवर्नमेंट आई है। हालांकि जब पिछली असेंबली को डिसॉल्व किया गया तब हमारी असेंबली हिंदुस्तान की सबसे एम्पावर्ड और पावरफुल असेंबली थी, और अनफॉर्चुनेटली आज जब हम जा रहे हैं ये परहैप्स वन ऑफ द वीकेस्ट असेंबलीज है पूरे हिंदुस्तान में। पावर्स कर्टेल किए गए हैं, डिसएम्पावरमेंट ऑफ द पीपल ऑफ जेएनके। तो जहां मुबारकबादी अपनी जगह है, लेकिन ये भी है कि चैलेंजेस बहुत ज़्यादा हैं। हम मानते हैं कि आज का ये जो स्वेरिंग इन सेरेमनी थी या जो पहला सेशन होगा असेंबली का, वो हिस्ट्री का हिस्सा होगा। इट विल बी अ पीस ऑफ हिस्ट्री। ये पहली असेंबली होगी जो 5 अगस्त 2019 के बाद चुनी गई। अब हम पर है जो इस असेंबली में आए हैं, बिलखसूस नेशनल कॉन्फ्रेंस पर जिनके पास मेजॉरिटी है, कि हमारी जो पहले दिन की कारकर्दगी होगी वो डिफाइन करेगी कि क्या 5 अगस्त 2019 वॉज इट इन अकॉर्डेंस विद द विल ऑफ द पीपल ऑफ जेएनके और वॉज इट अगेंस्ट द विल ऑफ द पीपल ऑफ जेएनके। हिस्ट्री विल रिकॉर्ड। इसलिए मैं हाथ जोड़कर जो मेजॉरिटी पार्टी है नेशनल कॉन्फ्रेंस, उनसे अपील करता हूँ कि जैसे उन्होंने लोगों को प्रॉमिस किया था वो एक रेजोल्यूशन लाएं उस दिन जिसमें वो कंडेम करें कि 370 को जो हटाया गया उसको कंडेम करें, 35A को जो हटाया गया, और जो इल्लीगल रेलिगेशन है, ये तो तीनों चीज़ें इल्लीगल थी फ्रॉम स्टेटहुड टू यूटी, उसको कंडेम करें और बोलें कि ये जम्मू कश्मीर की लोगों के विल के खिलाफ था।